What's up guys, welcome back once again. दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है लाइफ ऑफ पाई। ये कहानी असल में एक इंडियन बच्चे की है जो अपने गांव से जाकर एक बड़े से शहर में बस चुका है, लेकिन बीते अतीत में उसकी एक कहानी है जो उसने बहुत ही कम लोगों को सुनाई है। लेकिन एक दिन उसे मिलने एक राइटर आता है और तब वो अपनी कहानी उसे सुनाना शुरू करता है। कहानी की शुरुआत होती है, हम अपने अहम किरदार इरफान खान को देखते हैं जिनका नाम है पाई। अब ये नाम कैसे पड़ा ये उन्हीं के मुंह से सुन लेते हैं। एक दिन जब उनके घर पर उनसे मिलने एक राइटर आता है जिसको असल में उसके मामा जी ने भेजा है जो कि एक स्विमिंग ट्रेनर है। उनका हमेशा से सपना था कि वो उससे भी स्विमिंग सिखाएं और एक दिन वो पेरिस के एक स्विमिंग पूल में तैरने जाते हैं। वहाँ का पानी उन्हें इतना साफ लगता है कि वो उसे कॉफ़ी बना सकते हैं और ये स्विमिंग पूल उन्हें इतना ज़्यादा पसंद आता है कि इन्होंने उसका नाम पिसिनी मॉलिटर पटेल रख दिया। अब इसके बाद वो अपने बचपन के बारे में हमें बताना शुरू करता है। जब वो छोटा था तो साउथ इंडिया के एक छोटे से गांव में रहता था। उस गांव में बहुत सारे किसान रहा करते थे जिनकी वो लोग काफी इज्जत किया करते थे क्योंकि वही उन्हें खाना दिया करते थे। वो कहता है कि मेरा असल में पूरा नाम पाई पटेल है, लेकिन जब मैं स्कूल में गया तो वहाँ सारे बच्चे मुझे इसी नाम से चिल्लाने लग गए, पिसिंग पिसिंग कहकर, जिससे कि मैं बहुत परेशान रहने लग गया। पर एक दिन जब मेरे मास्टर यानी कि मेरे सन ने मुझे पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए बुलाया तो मैंने सॉल्व कर दी, जिसके बाद उन्होंने मेरी काफ़ी तारीफ करी और इसी के साथ मैंने खुद का नाम पाई रख लिया। उसकी ये कहानी सुनकर वो राइटर हंसने लगता है, पर पाई कहता है कि अभी तो ये बस शुरुआत है, तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें जानने को मिलेगी जो शायद किसी को तुम बताओगे तो वो यकीन भी नहीं करेगा। इसके बाद वो अपने परिवार के बारे में बताना शुरू करता है और कहता है कि उसके अप्पा जो कि एक नास्तिक थे वो एक जू के मालिक थे, लेकिन उसकी माँ एक बहुत ही धार्मिक थी और सारे हिंदू गॉड को मानती थी, पर उन्होंने कभी भी उसे किसी भी गॉड के बारे में नहीं बताया। ऐसा उन्होंने क्यों किया ये तो उसे भी पता नहीं है, इसलिए मैंने सारे धर्मों को फॉलो करना शुरू कर दिया क्योंकि हमें सर झुकाना सुनने वाला चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म या फिर किसी भी जाति का क्यों ना हो वो सुन लेगा। यही रूल उसने भी फॉलो किया। लेकिन एक दिन जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो उसके डैड कहते हैं कि तुम सारे धर्मों को एक साथ नहीं मान सकते क्योंकि ऐसे में हमें किसी एक पर भरोसा नहीं रहता और हम सारे धर्मों के बीच में फंस जाते हैं। लेकिन उसकी माँ उसके पापा को डांटती हैं और कहती हैं कि अभी वो छोटा बच्चा है, उसे ये सब बातें मत बताओ। लेकिन यहाँ पाई को इतनी तो समझ थी कि वो सही गलत में फर्क समझ सके और उसे इस बात की पूरी उम्मीद थी कि वो जब भी प्रे करता है तो उसकी बात जरूर सुनी जाती है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि पाई अब धीरे धीरे करके उन जू के जानवरों से भी बात करना शुरू कर देता है। लेकिन एक दिन जब वो जू में बंधे एक बंगाली टाइगर के पास जाता है तभी उसके डैड वहाँ आ जाते हैं और वो उसे बहुत डांटते हैं और उसे समझाते हैं कि ये जंगली जानवर है, कोई इंसान नहीं है जो तुम्हें तकलीफ ना दे। लेकिन पाई कहता है कि वो तो बस उसे खाना खिला रहा था। तब उसके अप्पा उस टाइगर के पास एक बकरी लाकर रख देते हैं और वो फौरन उसे लेकर अंदर चला जाता है और तब उसे समझ आ जाता है कि वो कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए तब से उसने उस जू में जाना छोड़ दिया और अपने मामा के पास चला गया जहाँ पर उसने उसे स्विमिंग सीखी। उन्होंने ही उसका नाम एक दिन पाई रख दिया जैसे कि मैंने आपको बताया था। अब धीरे धीरे करके समय बीतने लगा और वो बताता है कि मैं बड़ा होने लग गया। मैंने उसी गांव में एक जगह म्यूजिक क्लासेस भी सीखनी शुरू कर दी और वहाँ मुझे एक आनंदी नाम की लड़की पसंद आ गई, उसे मैंने दोस्ती करी और फिर वो दोस्ती धीरे धीरे करके प्यार में बदल गया। हम दोनों एक साथ काफ़ी समय बिताने लग गए। पर एक दिन जब हम पूरा परिवार एक साथ डिनर कर रहे थे तो उस समय मेरे अप्पा ने मुझे बताया कि उन्हें इस शहर को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमारी ज़मीन अब सरकार ले रही है, क्योंकि वो कभी भी हमारी थी ही नहीं। अप्पा बताते हैं कि कनाडा में एक आदमी से बात कर रहे हैं, वो हमारे सारे जानवरों को खरीद लेगा जिसे हमें अच्छे पैसे भी मिलेंगे और उसी पैसों से हम वहाँ पर एक नई शुरुआत करेंगे। अब सभी इस बात से उदास हो जाते हैं क्योंकि वो यहाँ पर बरसों से रह रहे थे, इंडिया को वो छोड़कर नहीं जाना चाहते थे और आनंदी का क्या होगा। और पाई के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कठिन समय होता है। अब वो जाने से पहले वो एक आखिरी बार आनंदी से मिलने जाता है और उसे सब कुछ सच बताता है। वो उसके हाथ पे एक धागा बांध देती है और कहती है कि जब भी मुझे तुम याद करना इसे देख लेना। लेकिन यहाँ पाई वादा करता है कि वो उसे लेने के लिए एक दिन ज़रूर आएगा। पता नहीं ये वादा सच होगा या नहीं। अब कुछ दिन बाद वो अमेरिका के लिए निकल जाते हैं एक शिप में बैठकर। उनके साथ जू के सारे जानवर भी थे। वो निकल गए थे एक पराये देश की ओर जिसके तौर तरीके के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था, पर यही सच्चाई है और हमें ये कबूल करना होगा। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि शिप में ज्यादातर लोग नॉनवेज थे और इसीलिए जब पाई की अम्मा अप्पा खाना खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ का शेफ उनसे लड़ाई कर लेता है। वो उनसे कहता है कि अगर तुम्हें वेज खाना है तो खुद ही बना लो और इस बात से उनकी हाथापाई हो जाती है।
लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। तो उनके पास एक कोरियन आदमी आता है जो उन्हें बताता है कि यहाँ पर वेज के नाम पर सिर्फ राइस है। दरअसल दोस्तों पाई के डैड और उसका बड़ा भाई नॉन वेज खा लेते हैं, पर उसकी मॉम और वो वेजिटेरियन है, इसलिए वो दोनों लोग राइस खाते हैं। अब उसके डैड जाकर सारे जानवरों को नींद की गोलियां खिला देते हैं। जब इसकी वजह पाई पूछता है तो वो उन्हें बताते हैं कि जानवरों के लिए समुंदर का सफ़र बहुत ही भयानक होता है, जिसकी वजह से उन्हें उल्टियां होना शुरू हो जाती है, और मैं नहीं चाहता कि मैं पूरे सफ़र में इन लोगों की उल्टियाँ साफ़ करूँ। कहानी प्रेजेंट में आती है और हम इरफान को उस राइटर को एक लेक साइड पर बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ वो उन्हें बताता है कि शायद अब कहानी में कुछ भूल गए। तो वो कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ, लेकिन अब जो आएगा उसे तुम अपने कानों को खोल कर सुनना, क्योंकि इस समय हम मरीन ट्रेंच के वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में हैं और वो दुनिया की सबसे डीपेस्ट जगह है। अब देर रात को जब पाई सो रहा होता है तो उसे महसूस होता है कि शिप बहुत ज़्यादा हिल रही है, उसे कई झटके भी लगते हैं, इसलिए वो बाहर आता है और देखता है कि तेज़ बारिश हो रही है और तूफान भी आया है। उसे देखकर वो बहुत खुश होता है और एंजॉय करना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ देर बाद ये एंजॉय उसके लिए मुसीबत बन जाती है, क्योंकि शिप बहुत ज़्यादा हिलना शुरू हो गया था लहरों की वजह से, और इसी वजह से अंदर पानी भरना भी शुरू हो जाता है। वो फौरन अपनी फैमिली के पास जाता है ताकि उन्हें बचा सके, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि शिप आधा डूबने लगा था, सारे जानवर उसमें बहना शुरू हो गए थे और यहाँ वो शिप भी अब डूबने लगता है। जितने भी लोग उसमें बचे थे वो लाइफ बोट को नीचे फेंकना शुरू कर देते हैं, जिसमें पाई भी जाता है, पर वो कहता है कि उसके डैड को स्विम करना नहीं आता, इसलिए वो उन्हें इस बोट पर आने को बोले। लेकिन तभी एक डरा हुआ ज़ेब्रा आकर उस बोट में कूद जाता है, जिसकी वजह से उसकी रस्सी टूट जाती है और पाई उस ज़ेब्रा के साथ ही पानी में कूद जाता है। उसके पास जो बोट थी वो भी उससे दूर चली गई थी और पानी में डूबते हुए वो शिप को देख रहा था, शायद शिप में कोई भी जिंदा नहीं बचा। इस तूफान में उसका पूरा परिवार जा चुका है, या फिर कोई चमत्कार होगा, ये तो हमें आगे ही पता लगेगा। कुछ ही देर बाद जब पाई पानी के ऊपर आता है तो वो उस बोट को ढूंढना शुरू करता है और फिर उसमें जाकर बैठ जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी कुछ ही दूरी पर वह बंगाली टाइगर अभी भी जिंदा है, जो एक पट्टे की मदद से तैर रहा है। अब ये देखकर वो डर जाता है और उसे बोट की साइड में जाकर बैठ जाता है। कुछ समय के बाद जब सुबह होती है तो हम उस जगह का असली मंजर देख पाते हैं। चारों ओर बस समुंदर है और बोट में कुछ जानवरों के साथ एक 17 साल का लड़का है, जिसे अब खुद को जिंदा रहने के लिए भूख और प्यास दोनों चीजें से लड़ना होगा, लेकिन उससे पहले उस बोट में फंसे हुए ज़ेब्रा के लिए कुछ करना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ बस एक ही जानवर नहीं था, बल्कि वहां पर एक लकड़बग्घा और एक गोरिल्ला भी था, जो कि लकड़बग्घा एक मांसाहारी जानवर होता है, जिस वजह से वो ज़ेब्रा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पाई उसे बचाता है, पर इतने में वो गोरिल्ला आकर उसे मारना शुरू कर देता है और इसी चक्कर में वो ज़ेब्रा मारा जाता है, जिसे पाई को बहुत बुरा लगता है। पर एक और चीज़ उसे पता चलती है कि वो टाइगर रात को छुपकर उसी बोट में आकर बैठ गया है, और जब वो बाहर आता है तो सभी उसे देखकर हैरान थे और डरे हुए थे कि ये एक भूखे टाइगर के सामने बैठे हैं। वो सबसे पहले तो उस लकड़बग्घे को मारता है और इसके बाद उसका शिकार शायद पाई था, लेकिन पाई इतनी देर में एक छोटी सी राह बना लेता है, क्योंकि यहाँ इस बोट पर रहना उसके लिए सही नहीं है। लेकिन इससे पहले उसे कुछ सामान मिल जाता है उस बोट में रखा हुआ, जिसमें कुछ पानी की कैन थी और कुछ चॉकलेट बार भी थे, जिन्हें वो खा लेता है, पर ये ज़्यादा दिनों तक चलने वाले नहीं है, जो कि उसे सच में पता था। इसी बीच वहाँ एक चूहा भी आता है, जिसे वो टाइगर पलक झपकते ही खा जाता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा भूखा है। उसका शिकार बनने से पहले ही पाई उस बोट से उतर कर दूसरी बोट में जाकर बैठने लगता है, पर इसी बीच उसे एक किताब मिलती है जिसमें ऐसी जगहों पर ज़िंदा रहने के लिए क्या करना है ये लिखा हुआ था। वो उसे अपने साथ ले लेता है और फिर उस छोटी सी राफ में जाकर बैठ जाता है और उस बड़ी बोट की रस्सी को अपने साथ बांध लेता है, क्योंकि उसमें एक खाना था। अब वो एक पेपर पर लिखता है कि वो इस समुंदर में एक टाइगर के साथ फंस चुका है, और फिर वो उस पेपर को एक कैन के अंदर डालकर पानी में फेंक देता है। क्या पता इस समुंदर में वो कैन किसी को मिल जाए। अब समय धीरे धीरे बीतने लगता है और वो पूरा दिन उस राफ पर गुजार देता है, और अब आ जाती है रात, और यहाँ उसे अपनी माँ की कही हुई बात याद आती है कि तब तक तुम हिम्मत मत हारना जब तक तुम्हारी सांसें न रुक जाए, और हमेशा गॉड से प्रे करते रहना। अगली सुबह वो देखता है कि वो टाइगर पूरी तरीके से भूखा है, इसलिए उसके लिए कुछ खाने का इंतजाम करना होगा, वरना वो उसे ही मार कर खा जाएगा। अब पाई के पास जो बुक थी उसे वो पढ़ना शुरू करता है, जिसमें लिखा था कि कैसे खुद को यहाँ पर जिंदा रखा जाए, जैसे कि गाना गुनगुनाना, खुद को बिजी रखना और कुछ इस तरह से मछली के लिए जाला बनाना। वो समझ गया था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद उसके जाल में अभी भी कोई मछली नहीं आती। इसी के साथ यहाँ पर वो काफ़ी समय हो चुका था,
अब उसे कहीं न कहीं खुद को समझ आ गया था कि अगर उसे यहाँ खुद को जिंदा रखना है तो पहले तो उसे इस टाइगर को कंट्रोल करना सीखना होगा। उसकी भूख तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और यहाँ पर पाई उसे पीने का पानी देता है, क्योंकि वो थोड़ी ही देर में पी जाता है, जिसके बाद पाई बोट पर चढ़ने की कोशिश करता है क्योंकि उसके शरीर पर अब छाले आने लगे थे और वो कब तक नीचे पानी में रहेगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि वो टाइगर की भूख इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो खुद पानी में कूद जाता है मछलियों को पकड़ने के लिए, लेकिन उसके मुंह में कुछ नहीं आता और वो पानी में फंस चुका है। वो दोबारा से बोट पर चढ़ने की कोशिश करता है लेकिन वो चढ़ नहीं पाता। हालांकि यहाँ पर पाई के पास मौका था, उसे वहीं पर मरने के लिए छोड़ देता, लेकिन वो ऐसा करता नहीं। उसका दिल बहुत ही नरम है, इसलिए वो रात में एक दूसरी बोट बनाता है और फिर उसकी मदद से उसको बोट पर ले आता है। अब कड़ी मुश्किलों के बाद अगली सुबह उसकी जाल में एक मछली आ जाती है जो कि काफी बड़ी थी। पाई उसे मारते वक्त रोने लगता है और उसकी आंखों में देखता है, लेकिन यहाँ उसे सच्चाई से रूबरू होना पड़ेगा। यहाँ पर खुद को जीवित रखने के लिए उसे ये करना ही होगा। वो उसे मारकर टाइगर को दे देता है ताकि वो कुछ देर के लिए शांत हो जाए, लेकिन यहाँ अब उसे इस बात की फिक्र होने लगी थी कि अब वो कब तक यहाँ पर जिंदा रहेगा। वेल कहानी और आगे बढ़ती है और एक रात पाई देखता है कि पानी बिल्कुल नीला हो चुका है, क्योंकि वहां पर असल में ब्लू वेल आ गई थी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी वेल थी। और उस वेल को पाई पहली बार देखता है, वो बहुत ही ज्यादा विशाल थी। वो पानी के ऊपर आती है और उसकी बोट से टकरा जाती, जिसके बाद होना क्या था, ये दोनों ही पानी में आ जाते हैं और जितना भी खाना इनकी बोट में था सब कुछ बर्बाद हो जाता है। पाई को बहुत बुरा लगता है कि ऐसा उसके साथ ही क्यों होता है। अब वो पानी में रहकर परेशान हो चुका था, इसलिए अगले दिन चुपके से बोट पर आता है, लेकिन तभी वो टाइगर उसके सामने आ जाता है और उसे खाने की फिराक में था। वो कई दिनों से भूखा था और भूख हर किसी को बदल सकती है, लेकिन इसी पल गॉड उसका साथ देते हैं। कुछ मछलियां उछलकर उसकी बोट पर आने लगती है और देखते ही देखते बहुत सारी मछली उसकी बोट पर आ चुकी थी, जिसमें से एक बड़ी मछली भी आती है जिसे टाइगर लेना चाहता था, लेकिन पाई ऐसा होने नहीं देता। वो बहुत दिनों से भूखा है, हालांकि वो एक वेजिटेरियन है, लेकिन उसे ये खाना पड़ता है खुद को जिंदा रखने के लिए। यहाँ वो उस मछली से भूख मिटाता है। अब जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं, पाई अब उस टाइगर को ट्रेन करना शुरू कर देता है, जैसे उसके डैड किया करते थे अपने जानवरों को। वो उसे थोड़ा थोड़ा मीट देता है और चुपचाप बैठे रहने को बोलता है। और कुछ दिन की मेहनत के बाद उसने राफ फिर से तैयार कर ली थी। तभी उसके सामने से गुजरता हुआ उसे एक शिप दिखाई देता है। वो उस बोट में मिली फ्लेयर को चला देता है, पर यहाँ कोई फायदा नहीं होता, तब तक वो शिप वहां से जा चुका था। अब इन सब मुश्किलों को देखते हुए पाई की भी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। ये दोनों ऐसे भूखे प्यासे एक जगह पर फंसे हुए थे। टाइगर भी अब बहुत कमजोर हो गया था और पाई की हालत उससे भी ज्यादा बुरी हो गई थी। और एक रात जब वो ऐसे ही लेटे रहते हैं तो वो इस कदर अपनी यादों में खो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि तूफान आ चुका है। वो आसमान में अपनी अम्मा को देखता है जो उसे कह रही थी कि तुम्हें लड़ना होगा, जिसके बाद वो एक तेज लहर आकर उसकी बोट को पलट देती है। लेकिन पाई उस बोट को फिर से सीधा करता और उसमें जाकर बैठ जाता है। अब उस तूफान से बचने लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। वो टाइगर से कहता है कि देखो, हमारी मदद गॉड कर रहे हैं, वो हमें पानी दे रहे हैं। लेकिन वो तूफान अब और तेज हो जाता है, इसलिए वो गॉड से प्रे करता है कि गॉड हमें माफ कर दो, आप बहुत ज्यादा दयालु हो, मैं आपके सामने सरेंडर करता हूँ, गॉड आपको क्या चाहिए हम लोगों से। हम उस तूफान को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा भयानक था और इसमें बड़ी बड़ी शिप डूब जाती है, तो ये एक छोटी सी बोट क्या है। अब रात भर वो दोनों तूफान से लड़ते रहते हैं और गॉड से प्रे करते रहते हैं। हम देख पाते हैं कि पाई से ज्यादा तो वो टाइगर अब डर चुका है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि भीगने की वजह से टाइगर की तबीयत खराब हो गई है। वो उसके पास जाता है और उसे सॉरी कहता है और उसे अपने गोद में रखकर प्यार करने लगता है, जिसे वो थोड़ा अच्छा महसूस कर सके। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं और उन्हें ऐसे फंसे हुए तकरीबन एक महीने से ज्यादा का समय हो गया था। कुछ समय के बाद जब पाई की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी बोट एक आइलैंड के पास रुकी है। वो फौरन अंदर जाता है तो देखता है कि वो आइलैंड असल में नेवलो का था, चारों ओर बस वही थे। लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसे और टाइगर को वहां पर खाने और पीने की चीजें मिल जाती है, जिसे वो बहुत खुश होते हैं। और जब रात होती है तो पाई वहां पर अपना बिस्तर बना लेता। लेकिन कुछ देर बाद वो देखता है कि सारे नेवले पेड़ पर चढ़ आए और जितनी भी मछलियां थी उस आइलैंड पर सब मर चुकी हैं। उसे समझ नहीं आता कि अचानक से मछलियां कैसे मर गई। तभी उसे एक फूल में एक इंसान के दांत मिलता है और ये देखकर उसे समझ आता है कि ये आइलैंड एक्चुअल में एक कार्निवोरस आइलैंड है। जी हाँ, एक ऐसा आइलैंड जो मांस खाता है। यहाँ का पानी दिन के समय जितना साफ होता है, रात में वो पूरी तरह से एसिड बन जाता है जो मछलियों को खुद में समा लेता है। और यहाँ के पेड़ भी जहरीले बन जाते हैं, यहाँ के फल जहरीले बन जाते हैं, इसलिए यहाँ पर रहना सही नहीं है। अब वो उस दांत के बारे में उस राइटर को भी बताता है कि शायद यहाँ पर उसे पहले कोई आया हो,
शायद उससे पहले यहाँ पर भी कोई आया होगा और उसे इस जगह की सच्चाई पता नहीं होगी। मे भी ये उसी का दांत होगा। अब अगले दिन वो वहाँ पर जितना भी हो सके अपने और टाइगर के खाने का सामान रख लेता है और फिर जाने लगता है। पर टाइगर वहाँ नहीं आता, उसे सीटी मारकर अपने पास बुलाता है लेकिन तब भी वो उसकी बात नहीं सुनता। तो तब जाकर वो उस टाइगर का असली नाम पुकारता है, यानी कि रिचर्ड पार्कर। जैसे ही वो उसे पुकारता है वो भागते हुए उस बोट में आकर बैठ जाता है, जिसके बाद वो दोनों अपना सफर फिर से शुरू कर देते हैं और कुछ दिन के बाद वो मैक्सिकन बीच पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अब पाई और रिचर्ड की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, वो दोनों हड्डी का ढांचा बन चुके थे। पर यहाँ रिचर्ड आगे जाने लगता है और पाई इसी उम्मीद में उसे देखता रहता है कि वो एक बार उसे मुड़कर ज़रूर देखेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो पाई को उठा कर ले जाने लगते हैं, पर वो बिलक बिलक कर रोना शुरू कर देता है एक बच्चे की तरह। वो बच गया था इसलिए नहीं, बल्कि उसने उस टाइगर को आखिरी बार अलविदा नहीं कहा और इसीलिए वो रो रहा था। काश आखिरी बार वो उसे बोल पाता कि रिचर्ड, हमने जो साथ वक्त बिताया वो बहुत ही अच्छा था, मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। यहाँ प्रेजेंट में आते हैं, इरफान राइटर से बोलता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया, मेरे अम्मा अप्पा, मेरा भाई, मेरा जू, लेकिन सबसे दुख की बात पता है क्या है, मुझे वक्त नहीं मिल पाया उन्हें आखिरी बार गुड बाय बोलने का, अलविदा कहने का। मैं अपने पिता को कभी थैंक्स नहीं बोल पाया जिन्होंने मुझे हर चीज़ सिखाई, और यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा दुख पहुँचाती है। काश मैं सभी को एक आखिरी बार अलविदा बोल पाता, इसलिए अलविदा कहना ज़रूरी है, वो हमें संतुष्टि देता है, हमें पूरा करता है। वो राइटर को ये भी बताता है कि हॉस्पिटल में मुझसे मिलने के लिए उस शिप की ओर से दो लोग आए थे इंश्योरेंस के लिए, लेकिन जब मैंने उन्हें अपनी कहानी बताई उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने वो आइलैंड देखा है, मेरे साथ एक टाइगर भी था, इसलिए उन्होंने कहा कि अपनी सच्ची कहानी बताओ। तो मैंने एक मनगढ़ंत कहानी बताई जिसमें मैं अपने परिवार के साथ फंसा हुआ था और धीरे धीरे के सभी लोग मारे गए। वो उसे ये भी कहता है कि आज भी मेरे पास वो कंपनी की पॉलिसी है। जब वो राइडर उसको पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि पाई पूरे 227 दिन तक एक बंगाली टाइगर के साथ डीपेस्ट ओशन में फंसा रहा। तब इरफान के वहाँ बच्चे आ जाते हैं और उसकी वाइफ आ जाती है। यहाँ राइटर के जाने का टाइम हो जाता है तो उसे पूछता है कि क्या मैं इस स्टोरी को प्रिंट कर सकता हूँ। तो इरफान कहता है कि हाँ, ये तुम्हारी कहानी है, लेकिन कौन सी कहानी तुम प्रिंट करोगे, पहली वाली या दूसरी वाली? वो कहता है कि पहली, वो बंगाल टाइगर वाली। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या पाई की ये कहानी एक सच में एक हकीकत थी या फिर एक मनगढ़ंत कहानी? क्योंकि ऐसे किसी इंसान का 227 दिन तक एक बंगाल टाइगर के साथ दुनिया का सबसे गहरे ओशियन में फंसे रहना संभव है या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली